नमस्ते, नेचर्स किट यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये वीडियो अपनी एक सब्सक्राइबर की वजह से बना रही हूँ, जिन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि उनके स्तन का जो निप्पल है वो काफी सख्त और खुरदुरा है। उन्हें मैंने कुछ उपाय बता दिए थे, फिर मुझे लगा कि क्यों न मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूँ जिससे कि हर किसी को इसकी जानकारी हो जाए। वैसे तो गर्भावस्था के समय से ही आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपके स्तन में गांठ है या फिर आपके स्तन में दर्द होता है या फिर आपके स्तन का जो निप्पल है वो सपाट है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। लेकिन डिलीवरी हो जाने के पश्चात में ये जो कुछ समस्याएं होती हैं, यानी कि निप्पल का सख्त होना या फिर स्तन का सख्त होना या फिर निप्पल लाल हो जाना, इन सब के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसी के विषय में आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे का लाल बटन दबा करके आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे किस तरह की जो भी जानकारियां मैं लेकर के आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जिस समय स्त्री गर्भवती होती है तो गर्भावस्था के समय से ही थोड़ा बहुत दर्द स्तन में रहता है, वो इसलिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो हमारा स्तन होता है उसमें दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है, इसलिए स्तन में थोड़ा भारीपन और थोड़ा हल्का दर्द होना नॉर्मल बात होती है। पर अगर आपको बहुत अधिक दर्द हो रहा है, यानी कि छूने मात्र से ही आपको दर्द हो रहा है और आप अपने स्तन को इस तरह से पूरा चारों तरफ से इस तरह से जब आप देखेंगे, यह जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि डिलीवरी के पश्चात आप स्वयं थकी हुई रहती हैं, ऊपर से नवजात शिशु की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है और ऐसी परिस्थिति में अगर आपके नवजात शिशु को दूध नहीं मिल पाता है या आपको स्तन संबंधी कोई समस्या होती है तो ऐसे में जो नई मम्मी होती हैं जिनकी पहली डिलीवरी होती है बहुत घबरा जाती हैं कि एक तरफ से अपनी खुद की थकावट जो 9 महीने की है वो और दूसरी तरफ से नवजात शिशु की जिम्मेदारी। इसलिए जब आप गर्भावस्था में हैं उसी समय आप अपने स्तन की जांच परख स्वयं भी कर लीजिए और अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि आप अगर स्तन को इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कहीं आपको गांठ वगैरह तो नहीं है, तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको कहीं गांठ है या आपको बहुत तेज दर्द होता है जब आप स्नान करने लगती हैं तो थोड़ा हल्का छू जाने से भी अगर स्तन में दर्द होता है तो ये नॉर्मल नहीं है। जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं आप उनसे सलाह ले लीजिए, बेझिझक उन्हें बता दीजिए ताकि आपको इस तरह की समस्या डिलीवरी के पश्चात न होने पाए। कि जब डिलीवरी हो जाती है उस समय अगर आपको स्तन में दर्द है या फिर फुलावट है या फिर स्तन लाल हो जाता है या निप्पल लाल हो जाता है तो यह किस वजह से होता है और क्या कुछ सावधानी आप कर सकती हैं। इसके अलावा निप्पल कट छिल क्यों जाता है, इसके विषय में मैं आपको यहाँ पर आज एक आर्टिफिशियल क्रीम भी बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे बेहतर मैं आपको प्राकृतिक क्रीम बताने जा रही हूँ। जो वजह होती है लाल होने की निप्पल या फिर स्तन की जो दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि डिलीवरी के पश्चात आपका स्तन जो है वो दूध से भर जाता है और बहुत तेजी से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो उत्तेजित होता है, जिसकी वजह से कि तेजी से आपके स्तन में दूध बनता है, दूध बहुत ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से कि आपके स्तन में भारीपन रहता है और अगर आप फौरन अपने बच्चे को दूध नहीं पिला देती हैं तो आपको चक्कर जैसा आ सकता है, बुखार आ सकता है, स्तन एकदम सख्त हो सकता है और ऐसी अवस्था में दूध भी जल्दी नहीं निकलता है। तो जब आपका दूध एकदम आपके स्तन में भरा रहेगा तो उसमें दर्द होगा, इसलिए आप दोनों तरफ से अपने नवजात शिशु को दूध आधे आधे घंटे में पिलाते रहिए। अगर बच्चे के पीने से दूध ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नवजात शिशु का पेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम मात्रा में दूध पीता है, तो ऐसी अवस्था में आपका स्तन जो भरा रहता है वहाँ से रिसाव होता है तो उससे आपके स्तन के निप्पल में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो आप यही कोशिश करिए कि आप अपने स्तन को खाली करिए, नवजात शिशु को अधिक से अधिक दूध पिलाने की कोशिश करिए। अगर वह नहीं पीता है, उसका पेट भर चुका है, तो आप स्तन को इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ले जा करके जो उसका एलोरा का भाग होता है, यानी कि जो यहाँ पर ब्राउन भाग होता है, वहाँ से ऐसे ऐसे आप दबाएंगी तो आपका दूध निकल आएगा। आप दूध निकाल लीजिए और उसे आप चाहें तो फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं, बाद में उसे आप अपने नवजात शिशु को पिला सकती हैं। और जिस समय आपके स्तन में दूध भरा रहता है, आपको तेज दर्द होता है या बुखार जैसा लग रहा है या कपकपी आ रही है, स्तन सख्त हो गया है, तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करिए, उसमें थोड़ा सा नमक, जो हम नमक खाते हैं उसी नमक का इस्तेमाल करिए, उसमें थोड़ा मिला लीजिए
पानी हल्के से थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए, फिर आप उस नमक के पानी से अपने स्तन को धोइए। 5 मिनट तक कम से कम स्तन को धोइए। अगर आप नहीं धो सकती हैं तो उस पानी में आप एक कॉटन का मुलायम कपड़ा निगाह करके निचोड़िए और उससे अपने स्तन को सेक करिए। इससे आपका दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि स्तन में दर्द क्यों होता है और किस तरह से आप उसे निजात पा सकती हैं। यहाँ मैं आपको एक ऐसी बटर क्रीम बताने जा रही हूँ जो कि आर्टिफिशियल क्रीम है, जो निप्पल सख्त हो जाता है, कट छिल जाता है, उसके लिए है। ये आप ऑनलाइन मंगा सकती हैं। उसका नाम मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ और इसका मैं पिक्चर भी आपको दे रही हूँ, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। वैसे तो ये 500 रुपये में आती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन मंगाती हैं तो कभी कभी छूट रहता है, तो आपको 475 में ये क्रीम मिल जाती है। इसका नाम है निप्पल बटर फॉर सोर एंड क्रैक्ड क्रीम। वैसे यह आपको शॉप पर भी मिल जाएगा, लेकिन इससे बेहतर मैं आपको जो यहाँ पर घरेलू क्रीम बताने जा रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये बटर क्रीम है, ध्यान रखिए, इसमें मैंने आपको बताया है कि ये निप्पल बटर क्रीम है, तो मैं उसी बटर को आपको घर पर विधि बताने जा रही हूँ। पर इसके पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जो आपका स्तन का निप्पल है वहाँ पर आप साफ सफाई अवश्य रखिए, क्योंकि जब डिलीवरी आपकी होती है आप इतना थकावट महसूस करती हैं, उसी में नवजात शिशु की देखरेख के चक्कर में आप अपने स्तन के निप्पल की और स्तन की देखरेख करना भूल जाती हैं, साफ सफाई नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से वहां पर दूध जब लगा रहेगा और वह कड़क हो जाएगा या फिर दूध लगातार रिसता रहेगा तो फिर वहां पर सख्त हो जाना मुमकिन है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप अपने नवजात शिशु को दूध पिला लेती हैं उसके बाद में आप एक गर्म पानी में कपड़ा निचोड़ करके वहां पर अच्छी तरह से पोंछ दीजिए और उसे सूखने दीजिए। सूखा रहने पर आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका निप्पल फट गया है या वहां से खून जैसा आ रहा है तो 500 की क्रीम जो मैंने आपको बताया उसे मंगाने से बेहतर होगा। जो स्त्रियाँ अभी गर्भवती हैं वो पहले से इस क्रीम को बना करके रख लें, और जो स्त्रियाँ जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जिनके स्तन में घाव अगर हो चुका है, तो फिर वो इसे जहाँ पर घी या दूध बिकता है वहाँ पर से आपको बटर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो फटाफट आप अपने घर में भी इसे तैयार कर सकती हैं कि आप 10 दिन की दूध की मलाई, जब आप दूध पकाती हैं उस मलाई को निकाल करके रख दीजिए और फिर उसे ठंडा पानी थोड़ा फ्रिज में रख दीजिए और मिक्सर के जार में इस मलाई को निकाल करके डालिए और उसमें ठंडा पानी डाल करके आप 4-5 बार मिक्सर को घुमा दीजिए, तो जो बटर उसमें निकलता है उस बटर को आप स्टोर करके हमेशा के लिए रख सकती हैं। बटर रखते समय आप थोड़ा सा अच्छी तरह से निचोड़ लेंगी तो उसका जो अतिरिक्त पानी होता है मलाई का वो निकल जाता है। अगर आप चाहिए तो इसे कॉटन के कपड़े में लपेट दीजिए इस बटर को और अच्छी तरह से उसे निचोड़ दीजिए, यानी दोनों तरफ से जब आप कपड़े को इस तरह से बांध देती हैं तो उसके अंदर का जो अतिरिक्त पानी होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। प्योर एकदम अच्छा घर का बना हुआ बटर आपको मिल जाता है। इस बटर को आप एक डब्बे में जार में बंद करके रख दीजिए, फ्रिज में रखेंगे इसे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको 1-2 महीने तक ये काम देगा। तो ये बटर जो होता है 500 की बटर क्रीम मंगाने से बेहतर है आप घर पर इस बटर को बना करके रखिए अपनी डिलीवरी से पहले। अगर डिलीवरी हो गई है तो 8-10 दिन के अंदर आप मलाई को तैयार कर सकती हैं और इस बटर क्रीम को बना सकती हैं, और इस तरह से पानी निचोड़ देने से वह बहुत दिनों तक सेफ बना रहता है। तो आप इस बटर को अपने निप्पल पर, अपने स्तन पर लगा करके हल्के हाथों से मालिश करिए। जिस समय आपका नवजात शिशु सो जाता है दूध पी करके, तो आप जरा सा बटर हाथ में लीजिए और पूरे स्तन पर, निप्पल पर लगा करके 2 सेकंड के लिए हल्का हल्का मालिश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका स्तन और आपका निप्पल एकदम सॉफ्ट, यानी एकदम से मुलायम हो जाता है। मैंने इसे खुद ट्राई किया हुआ है और ये बटर मैं हमेशा घर में बना करके रखती हूँ। जब सर्दियों का मौसम होता है तो आप इसे चेहरे पर लगाएंगी तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है, चेहरे में चमक आ जाती है। तो आप इस बटर को हमेशा रख सकती हैं, चाहे तो आपके बच्चे का अगर यहाँ पर ठंड सर्द की वजह से यहाँ पर फट जाता है, नवजात शिशु का सर्दी का मौसम रहता है तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, या आपके ओट फट जाते हैं, तब भी इस बटर को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कि आप बाहर के बटर का इस्तेमाल करने के बजाय घर पर इस बटर को बना करके रखिए, और जो स्तन का निप्पल होता है वहाँ पर भी आप अगर डिलीवरी के पहले भी लगाती हैं, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था कि उनका निप्पल जो है वो खुरदरा है और बहुत सख्त है, तो मैंने उनको बताया था कि आप घी लगाइए, नहीं तो फिर आप बटर लगाइए। बटर सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आपने गलती से बच्चे को बगैर पोछे स्तन दूध पिला दिया तो आपने इसे घर में तैयार किया हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका, बच्चे को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप ये करके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। अगर आपका स्तन सख्त हो गया है या फिर दर्द हो रहा है, नमक के गर्म पानी से आप उसे सेक दीजिए, नमक के पानी से धो दीजिए। अगर स्तन का निप्पल फट गया है, लाल हो गया है, तो आप पहले दूध अपने हाथों से निकालिए, उसके बाद इस बटर क्रीम का उपयोग करिए। चाहे आप आर्टिफिशियल क्रीम लीजिए, चाहे आप जो मैंने बताया है उसे आप घर पर बना लीजिए, दोनों ही आपके लिए असरकारक होगा, घर का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी यहाँ पर आपको दी है, उससे जो नई मम्मी होती हैं उन्हें स्तन के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा रहेगा। और एक बात, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है और आपको स्तन में दर्द होता है, थोड़ा बहुत छूने से भी दर्द होता है या गाढ़ जैसा होता है, तो आप बिल्कुल लापरवाही न करिए, आप फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि आप समय रहते इस चीज़ का इलाज कर सकें। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।